अब 12:07 पर हमें एक कॉल रिसीव हुआ थाना नजफगढ़ में रिलेटेड टू फायरिंग। एक ज्वेलरी स्टोर पे, ज्वेलरी की दुकान पे फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। और वो वहाँ पे जब हमारा स्टाफ पहुँचा तो पाया कि एक राजेश नाम के व्यक्ति हैं 46 ईयर्स के, जिनके भाई का वो ज्वेलरी स्टोर है, जो उस टाइम उस स्टोर का देखभाल कर रहे थे, उन पे गोली चलाया है 2 लोगों ने आकर, और राइट साइड जॉ पे उनको गोली लगाया। ये जो वारदात हुआ ये लूट के इरादे से किया गया था, और बाद में पता चला करीब 25,000 रुपये के आसपास उन्होंने उस दुकान से लूटा है। इसके तुरंत बाद हमारे सारे टीम एक्टिवेट हो गए, हमारा स्पेशल स्टाफ और थाने के टीम और अन्य क्रैक टीम सारे एक्टिवेट होकर, जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो टेक्निकल और ह्यूमन सर्वेलेंस वाले एस्पेक्ट थे, सभी को एक्टिवेट करके उनको हम ट्रैक करने लगे। 2 व्यक्ति उसमें आते हुए दिखे फुटेज में, जिनके हाथ में वेपन भी है, और इस इंसिडेंट के बाद फिर दौड़ के भाग रहे हैं। उनको ट्रैक किया गया और फाइनली उनको एक पुराना शिव मंदिर है उसके आसपास उनको ट्रैक कर लिया गया। हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और उसके जब टीम उनको पकड़ने के लिए जा रही थी तो हमारी टीम पे एक राउंड फायर किया गया। उनमें से जो 2 लोग थे उनमें से एक ने एक राउंड फायर किया। उसके जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी 2 राउंड फायर किया और उसमें एक को पैर पे बुलेट लगाए, उसको तुरंत RTR हॉस्पिटल भेज दिया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। ये जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका अभी एज को हम एसर्टन कर रहे हैं, ये अपना उम्र 17 से 18 के बीच का बता रहे हैं, इसीलिए अभी मैं उनके फर्दर डिटेल नाम वगैरह नहीं रिवील कर रहा हूँ। इनसे पूछताछ से पता चला कि ये टोटल 5 लोग जो है आज लूट के इरादे से नजफगढ़ एरिया में आए थे। ये 2 जो है झज्जर के रहने वाले हैं, झज्जर ज़िले के रहने वाले हैं, अलग अलग गांव के, और बाकी जो 3 लोग हैं वो भी उधर झज्जर ज़िले के रहने वाले हैं, और इन जो हैं इन सब पहले वारदात में शामिल रहे हैं, अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं। ये 5 लोग आज लूट के इरादे से यहाँ पर आए और इन्होंने एक बाइक का इस्तेमाल किया यहाँ पहुँचने के लिए, जो कि बादली बहादुरगढ़ जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ से छीना गया था। ये बाइक 31 तारीख को वहाँ पे केस दर्ज है, उस बाइक का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे आए और इन 2 को फिर यहाँ पे ड्रॉप किया गया।